मुस्लिम मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट रद्द कर दिया गया है और ये असम सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से ही है, ये कहना है असम सरकार का, और बाल विवाह को रोकने की ओर भी ये एक बड़ा कदम है। असम सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। तो 1935 के इस कानून को रद्द कर दिया गया है और अब जितनी भी शादियां असम में होंगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी। तलाक के जो भी प्रावधान हैं वो इसी एक्ट के तहत हैं। सरकार का कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान पहले से ही है, इसलिए ये जो कानून है इसकी जरूरत नहीं है और इसको देखते हुए ये फैसला। तो यूसीसी की तरफ एक अहम कदम माना जा रहा है। असम में ये संकेत, उत्तराखंड में यूसीसी पहले से ही लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान आचार संहिता, और इसी की तरफ असम सरकार ने एक और कदम बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। और अब आपको बताते हैं कि कैसे मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को असम में खत्म कर दिया गया है और इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान थे। इस एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होता था और रजिस्ट्रेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो और पुरुष की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा हो, यानी बाल विवाह को भी बढ़ावा मिलता था। अब असम सरकार का तर्क है कि क्योंकि शादी के लिए देश में पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट है तो अब इस कानून की जरूरत ही क्या, साथ ही इस कानून के खात्मे के साथ बाल विवाह को भी रोकने में मदद मिलेगी, यह कहना है असम सरकार का। तो इस तरह से इन तर्कों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस मुस्लिम मैरिज एक्ट के खत्म होने के बाद असम में क्या कुछ बदल जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी विवाह और तलाक होंगे असम में। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं वॉर जोन की। हूती ने लाल सागर में 3 जहाजों पर मिसाइल हमले किए हैं। पुतिन ने अमेरिका को लाल सागर के भंवर में फंसाने का बारूदी चक्रव्यूह रच दिया है। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति रईसी का बारूदी त्रिकोण है। लाल सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना इस त्रिकोण में फंस चुकी है। रूस ने हूती को हथियार सप्लाई शुरू कर दिया और चीन का डिस्ट्रॉयर लाल सागर में तैनात हो चुका है। खुफिया रिपोर्ट यह है कि लाल सागर सुरक्षा के नाम पर चीन ने हूती को इंटेलिजेंस और अमेरिकी जहाजों की सटीक जानकारी देने के लिए युद्धपोत तैनात किए। देखिए लाल सागर के फ्रंट पर पुतिन ने कितनी विनाशक बिसात बिछाई। लाल सागर दुनिया के सैन्य और कूटनीतिक समीकरण उलटने का एपिसेंटर बन चुका है। लाल सागर एक ऐसा रण क्षेत्र बन चुका है जहां महाशक्तियों के बीच महासंग्राम शुरू हो चुका है। इस महासंग्राम की 2 टीम महाशक्ति अमेरिका की नौसेना के साथ साथ 5 देशों की नौसेनाएं लाल सागर में सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने के नाम पर एकजुट हैं और इनके सामने चुनौती बनी है दूसरी महाशक्ति रूस। राष्ट्रपति पुतिन की सेना में ईरान, चीन जुड़े हैं और इनका सबसे बड़ा शक्ति बाण है यमन का शिया मिलिटेंट संगठन हूती। सागर में 2 फ्रंट पर बहुत बड़ी उथल पुथल हुई है और ये यूएस के लिए संकट है। लाल सागर में पुतिन का पहला फ्रंट है बारूदी वर्षा और दूसरा फ्रंट है सैन्य कूटनीति। पहले फ्रंट यानी लाल सागर में बारूदी वर्षा फ्रंट से सबसे बड़ी खबर ये है कि हूती ने एक ही दिन में लाल सागर में 3 जहाजों पर हमला किया है।
अदन की खाड़ी से गुजरते ब्रिटिश मालवाहक जहाज पर होती ने हमला किया। ब्रिटेन के आइलैंडर शिप पर होती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस जहाज पर पलाऊ का झंडा लगा था। अमेरिका के एक युद्धपोत पर होती ने ड्रोन हमले की कोशिश की। यूएस युद्धपोत ने ड्रोन हमला नाकाम कर दिया। इसके साथ साथ होती ने एक ब्रिटिश टैंकर जहाज पर हमला किया। होती प्रवक्ता ने कहा है कि हमले कामयाब रहे। लाल सागर में अमेरिका के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। पेंटागन ने होती के बढ़ते हमलों पर चिंता जताई है। लाल सागर में होती के हमले तेज होते जा रहे हैं और अब उसकी मिसाइलों की जद में गाजा पर हमला करने वाला इजराइल भी आ गया है। होती ने लगातार दूसरे दिन इसराइल के एलात शहर पर हमला किया। होती ने यमन से बैलिस्टिक मिसाइल फायर की। इसराइल के एरो 3 डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को ट्रेस किया और हमले से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। इसराइल ने इस मिसाइल इंटरसेप्शन का एक वीडियो भी जारी किया है। बारूदी फ्रंट पर होती ने विनाशक हमले किए हैं, लेकिन सैन्य कूटनीति के फ्रंट पर पुतिन ने अमेरिका का संकट बढ़ा दिया है। रूस के नो लिमिट पार्टनर चीन ने लाल सागर में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिया है। चाइनीज न्यूज एजेंसी के मुताबिक गाइडेड डिस्ट्रॉयर जियाओ छू लाल सागर में तैनात हो चुका है। इस पर शुचैंग मिसाइल सिस्टम तैनात है। चीन की नौसेना तैनाती पर सवाल उठ रहे हैं। होती चीन के जहाजों पर हमले नहीं कर रहा है, तो क्या चीन ने होती की मदद के लिए डिस्ट्रॉयर तैनात किया है? माना जा रहा है कि लाल सागर में पोतिन बरमूडा ट्रायंगल से भी घातक बारूदी ट्रायंगल बना चुके हैं और गठबंधन का हर साथी अमेरिका को फंसाने के लिए इसी रणनीति पर काम कर रहा है। और लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन सहित 6 देशों की नौसेना तैनात है, जो मालवाहक जहाजों पर हूती के मिसाइल हमले इंटरसेप्ट कर रही है, लेकिन सभी हमले नहीं रोक पा रही है। अब इस सेना पर हमले और तेज कराने के लिए रूस ने हूती को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अदन की खाड़ी में मौजूद चीन का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, अमेरिकी नौसेना टास्क फोर्स और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों के सिग्नल रीड करके हूती के मिसाइल लॉन्च पैड तक पहुंचा रहा है। इंटेलिजेंस मिलते ही लाल सागर में मौजूद जहाजों पर हूती सटीक मिसाइल हमले कर रहा है। पुतिन के हथियार सप्लाई, जिनपिंग के इंटेलिजेंस सहयोग और रईसी की प्रॉक्सी शक्ति हूती ने मिलकर लाल सागर में एक बारूदी त्रिकोण रच दिया है। इस त्रिकोण में अमेरिका की नेवल टास्क फोर्स बुरी तरह से फंस गई है। होती को हमलों के लिए लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की रफ्तार, दिशा और सटीक लोकेशन की जरूरत है। इसके बिना मिसाइल हमले कामयाब नहीं हो सकते। महाराष्ट्र के लातूर में भीषण आग का कहर, आग से 6 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भयानक आग लगी है। लातूर में अग्निकांड हुआ, 6 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। एक के बाद एक इन 6 दुकानों में आग लग गई। आग को बुझाने की यहां पर कोशिश करते लोग भी नजर आ रहे हैं। रूस के एयरक्राफ्ट पर यूक्रेन का हमला,
अजोव सागर में A-50 एयरक्राफ्ट गिराया, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया दावा। अमेरिका को अंदेशा था कि पुतिन यूक्रेन युद्ध की दूसरी बरसी पर जरूर कुछ बड़ा धमाका करेंगे। पुतिन ने इसकी शुरुआत कर दी। पुतिन ने नेटो को अपने ही अंदाज में चेतावनी दी है। पुतिन ने अपने सबसे ताकतवर और अपग्रेडेड बॉम्बर में उड़ान भरी है। रूस का यह बॉम्बर परमाणु हमला करने में सक्षम है और लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सकता है। इसकी तेज रफ्तार भी नेटो की सबसे बड़ी चिंता है। रूस अपने दुश्मनों को यह संदेश दे चुका है कि अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो से भी आर पार की लड़ाई होगी और रूस के परमाणु बॉम्बर्स रूस की जीत सुनिश्चित करें। सबसे आधुनिक, सबसे ताकतवर, रूस की वायु शक्ति का नया योद्धा TU-160M बॉम्बर। नेटो ने इसी का नाम व्हाइट स्वैन रखा है। परमाणु मिसाइलों से हमला करने की ताकत रखने वाले इसी बॉम्बर को देखने पहुंचे थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। एक साथ कई परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलों से प्रहार करने की क्षमता वाले इस बॉम्बर को न सिर्फ पुतिन ने करीब से देखा बल्कि इसकी रफ्तार का अनुभव करने के लिए इसके कॉकपिट में भी सवार हुए। चंद मिनटों बाद रूस के आसमान में एक अद्भुत संयोग बना। एक ऐसी जोड़ी बनी जो नेटो के किसी भी देश में परमाणु विध्वंस करने की ताकत रखती है। रूस के आसमान में यह घातक जोड़ी 30 मिनट तक चक्कर लगाती रही। अगर रूस के राष्ट्रपति ने परमाणु हमले का हुक्म दिया तो रूस का यही लड़ाकू विमान सबसे पहले उड़ान भरेगा। लेकिन आज तो पुतिन पायलट के साथ बैठे थे, यानी आसमान में ही ऑर्डर मिलता और चंद सेकंड बाद दुनिया का एक कोना परमाणु विनाश से थर्रा उठता। अमेरिका की जासूसी सैटेलाइट्स ने परमाणु हमले के टेक ऑफ का सिग्नल पेंटागन को जरूर भेजा था, लेकिन किसी को यह जानकारी नहीं थी कि पुतिन खुद बॉम्बर में सवार होने वाले हैं। पुतिन बुधवार को कजान की फैक्ट्री पहुंचे थे। रूस के कजान में TU-160M का कारखाना है। उड़ान के दौरान विमान के रूट का खुलासा नहीं किया गया। रूस का दावा है कि यह दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला सुपरसोनिक और सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला बम वर्षक है। आपको इस बॉम्बर की ताकत और खासियत बताते हैं। और TU-160M रूस का न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। रूस ने पहले TU-160 बनाया था, इसी बॉम्बर को अपग्रेड करके नया वर्जन तैयार किया गया। रूस का दावा है कि नए और पुराने वर्जन में 80% बदलाव किए गए, यानी करीब करीब विमान बिल्कुल नया है, पूरी तरह से बदला हुआ है। ये 4-सीटर बॉम्बर है। इसमें पायलट और को पायलट के साथ 2 क्रू सदस्य होते हैं जिनका काम बमबारी और मिसाइल हमला करना होता है। TU-160M की लंबाई 177.6 फीट है जबकि इसका
विंग स्पैन 182.9 फीट है, इसकी ऊंचाई 43 फीट है। ये भारी भरकम बॉम्बर है। आमतौर पर इसका वजन 110,000 किलो है, लेकिन अधिकतम टेक ऑफ की बात करें तो ये 275,000 किलो का वजन उठाकर उड़ सकता है, उड़ान भर सकता है। TU-160M बॉम्बर की रफ्तार भी इसकी बड़ी ताकत है। ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरता है और करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद ये 12,300 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। मारक क्षमता, स्पीड और मिसाइल के वजन के हिसाब से ये बदलता है, लेकिन फिर भी ये 2000 किलोमीटर तक की रेंज में मिसाइल प्रहार कर सकता है। बॉम्बर में 2 रोटरी लॉन्चर हैं। ये एक बार में परमाणु वॉरहेड से लैस 6 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। नेटो ने इसे व्हाइट स्वैन नाम दिया है, जबकि इसका रिपोर्टिंग नाम ब्लैक जैक है। व्हाइट स्वान दुनिया के लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन चर्चा इस पर पुतिन की उड़ान और उड़ान की टाइमिंग को लेकर है। तेईस फरवरी को दुनिया के सामने यह खबर आई है और इसी दिन के साथ रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल भी पूरे हो गए हैं। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि उनका परमाणु विध्वंसक तैयार है। पुतिन ने दुनिया को बताया है कि उनके ज्यादातर परमाणु हथियार नए हैं। पुतिन के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक फोर्स के पास अब हथियारों की कमी नहीं है। नौसेना भी दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि परमाणु हमला करने में सक्षम बॉम्बर में उड़ान भरकर पुतिन ने सीधे नेटो को चेतावनी दे दी है। रूस यूक्रेन से 2 साल युद्ध लड़ने के बाद अब नेटो के खिलाफ मिशन शुरू कर सकता है। मौजूदा दौर में अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती भी एक अहम मुद्दा है। खास तौर से रूस और अमेरिका के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रूस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने रूस के खिलाफ साजिश तैयार की। रूस पर अंतरिक्ष में परमाणु हथियार की तैनाती का आरोप लगाया। रूस पर आरोप लगाने के पीछे अमेरिका का एक खास मकसद था। रूस की आड़ लेकर अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए। रूस की खुफिया एजेंसी का आरोप है कि अमेरिका ने पहले रूस को लेकर अफवाह उड़ाई और फिर पूरी दुनिया में खबर फैलाने के बाद पेंटागन ने एक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम को अंतरिक्ष में भेजा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने एलन मस्क के स्टारलिंक उपग्रह समूह की तरह ही प्लानिंग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में कई छोटे छोटे उपग्रह भेजे जाएंगे। अमेरिका छोटे छोटे उपग्रहों से लोअर ऑर्बिट को भर देगा। रूस का आरोप है कि इसी क्रम में परमाणु हथियारों की तैनाती हो सकती है। माना जा रहा है कि अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट आने के बाद ही पुतिन ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया है और नेटो को चेतावनी दी है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश अब ऐसे बॉम्बर, सबमरीन और मिसाइलों से लैस है जिससे दुनिया में कहीं भी परमाणु बम वाली तबाही मचाई जा सकती है। सबसे अहम है रूसी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का TU-160M से लैस होना। जनवरी 2022 पहली उड़ान। सबसे पहले रूस का यह ताकतवर विमान करीब 2 साल पहले दिखा था। रूस ने 4 दशक पहले स्ट्रैटेजिक बॉम्बर TU-160 को बनाया था।
तब से अब तक नेटो के लिए खौफ का पर्याय बना यही व्हाइट स्वान अब नए अवतार में तैयार किया जा चुका है। नाम के साथ सिर्फ एम जोड़ा गया है। रूस के पास अब एक ऐसा विनाशकारी हथियार है जिसमें खुद को रेडार से बचाने की न सिर्फ क्षमता मौजूद है बल्कि रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग इसे सबसे खतरनाक हथियार की कैटेगरी में सबसे ऊपर खड़ा करती है। यानी रूस जब चाहे यूरोप को भी विनाशकारी बारूद की जद में ले लेगा और आशंका है कि रूस का मकसद भी यही है। अब पुतिन फुल एक्शन में है क्योंकि दुनिया उनकी एक और तस्वीर देख रही है। पुतिन ने बुधवार को ही कमांड ट्रक चलाया। पुतिन कजान से हेलीकॉप्टर से वोस्तोक हाईवे पहुंचे थे। यहां ट्रक चलाकर उन्होंने हाईवे का टेस्ट लिया। पुतिन के लिए ये हाईवे इसलिए अहम है क्योंकि ये मॉस्को कजान और ट्यूमन को जोड़ता है। युद्ध की बरसी से ठीक पहले पुतिन का यू एक्शन में आना नेटो को अंदेशों से भर रहा है। विशेषज्ञों को आशंका है कि पुतिन अब वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की जंग शुरू करेंगे क्योंकि यूक्रेन में जीत के लिए भी नेटो को काबू में रखना जरूरी है और फिर जीत को कायम रखने के लिए भी नेटो के हौसले को मसलना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।